बावलोग, आई मीन रिग्रेट कि मैंने इस वेब शो को टाइम पे देखना शुरू क्यों नहीं किया। फक मी मैन, दिस फकिंग शो इज टोटली ऑसम। और सस्पेंस थ्रिल का जो तड़का है इसमें बाबा तशरीफ फाड़े। अभी बात करेंगे एपिसोड 3 के बारे में, और ये एपिसोड बहुत कुछ कैरी कर रहा है, जिसमें पहले इस एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे एंड समझेंगे, देन एट लास्ट एंडिंग एंड बाकी के लूप होल्स के बारे में भी बात करेंगे, जो बहुत से क्लू छोड़ रहे हैं क्योंकि स्टोरी एक नया मोड़ लेने जा रही है, वो भी करारा। तो सेकंड एपिसोड जहां खत्म होता है, वहीं से थर्ड एपिसोड भी शुरू होगा, जिम के मरे हुए बेटे का कॉल करने से, यानी थॉमस के कॉल करने से, वो भी उस टेलीफोन लाइन पर जो एक्चुअली डेड है काफी टाइम से। और ये थ्रेट कॉल ही था जिम के लिए, क्योंकि टैबिथा उसकी वाइफ जो ये समझ रहे हैं शायद मर गई हो वुड्स यानी जंगल में जाकर, बट वो अनदर पैरेलल यूनिवर्स में जिंदा है। और ये स्ट्रेंज बॉय जिम के दोनों बच्चों को थ्रेट कर रहा है, यानी जूली और इथन को। और जिम यहाँ भागकर अपने बच्चों के पास जाता है क्योंकि रात होने वाली है, एंड वी नो दैट कि रात में आखिर होता क्या है। दूसरी तरफ बाबा विक्टर इस स्टोरी का बहुत अहम पार्ट होने वाला है, जिसे एक्चुअली लोग हिला हुआ समझते हैं, बट उसकी माँ पहले से ही इस जगह पर सर्वाइविंग के लिए क्लू छोड़ कर रखी है। और उसकी माँ सिर्फ यही नहीं, बाहर रियल वर्ल्ड में भी क्लू छोड़ रखा है, जो एक्चुअली बाहर से टैबिथा डिकोड कर रही है। तो बाबा विक्टर ने एक लगेज जमीन से खोद कर निकाला है एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। दूसरी तरफ बॉयड अब ऑफेंसिव मोड पर खेलना चाहता है, यानी जो क्रिएचर इन्हें हंट कर रहे हैं, बॉयड इन्हें हंट करना चाहता है रिवर्स में, जिसमें वो प्लान कर रहा है एक के जिंदा क्रिएचर को पकड़ने की, ताकि उस पर रिसर्च करके वो जान सके कि इनका आखिर तोड़ क्या है, इन्हें मारा कैसे जाए, क्योंकि अभी तक तो ये अमर ही साबित हो रहे हैं, जहां उसका अपोज डोना और उसका बेटा भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि ये एक सुसाइड मिशन ही है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ कहानी में एक नया ट्विस्ट मोड़ ले रहा है, जो आने वाले समय में और भी बड़ा थ्रेट हो सकता है। क्रिएचर तो परमानेंट थ्रेट है ही है, लेकिन टाउन में एक नया थ्रेट और जन्म ले रहा है, क्योंकि फातिमा पिछले एपिसोड से स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी के दौरान मेंटल लेवल डिस्टर्ब रहता है, और वही फातिमा के साथ भी हो रहा है। लेकिन बाबा ऐसे में सड़ी और बेहुदा भद्दा गार्बेज यानी कूड़ा कचड़ा खाना हद तो यहाँ हुई, जब इसने कूड़े के ढेर से वो कर्स्ड सब्जियाँ यानी वेजिटेबल्स खाया, क्योंकि टाउन की मिट्टी भी कर्स्ड हो चुकी है, और उसे एक बुड्ढी भी देख लेती है ये सब करते हुए, जो उससे बाद में इंटरेक्ट करती है, और वही औरतों वाली चिटचैट। लेकिन तभी वो बेबी का भविष्य के लिए फ्यूचर कार्ड देखने लग रहे थे, जो एक्चुअली इस इवेंट को एक अननेचुरल पावर के द्वारा रोका जा रहा है, क्योंकि तभी सडनली ये कौवा खिड़की की कांच तोड़कर अंदर आ जाता है, जो मर भी जाता है। और जादू टोना की भाषा में ही समझें तो इस संकेत को बुरा माना जाता है, लेकिन वह फ्यूचर कार्ड देखने के इवेंट को उसने रोक ही दिया फिलहाल। दूसरी तरफ कैनी, जेड एंड क्रिस्टी तीन लोग और टाउन के लोगों के लिए खाना लेने जंगल आए हैं, जहां कैनी और जिम ने खोज करी थी उन वेजिटेबल्स एंड फूड सप्लीमेंट्स की। लेकिन यहां भी स्ट्रेंज थिंग जेड के साथ हुई, और वैसे भी कुछ टाइम पहले तक वो पागल जैसा ही हो चुका है, और यहां जंगल में एक मरा हुआ इंसान उसे दिखता है, जिसकी आंख में चाकू है, जो सिर्फ इसे ही दिख रहा है और किसी को नहीं। इसी बीच जेड और इस टकले के बीच में एक बहस हुई, जहां जेड सभी को इस जगह से जल्दी जाने के लिए कन्विंस कर रहा है, क्योंकि वो यहां थ्रेट महसूस कर रहा है, वो भी वाला थ्रेट। और इसी में यानी आपस में ही बहसबाजी में क्रिस्टी का पांव एनिमल कैप्चर स्टैंड पर फंस जाता है, और क्रिस्टी को निकालते वक्त फिर वही आदमी जेट को दिखाई देता है। पर रात होने से पहले क्रिस्टी को उस कैप्चरिंग स्टैंड से ये लोग निकाल लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन जेट क्या देखता है, सेम आदमी एक स्कल में खून पी रहा है, जो संकेत दे रहा है कि स्टैंड पांव पर फंसने से क्रिस्टी का जो खून वहां बहा है शायद वो वही पी रहा हो। बाबा जेट का तो नहीं पता, पर मेरी जरूर फट गई इस मोमेंट को देखकर। दूसरी तरफ टैबिथा को लगातार कुछ ना कुछ क्ल्यू मिलते जा रहे हैं, जो विक्टर की माँ पहले से छोड़ गई थी, और यहाँ बिल्कुल बहुत सी ऐसी चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसे विक्टर की माँ के साथ भी हुई थी। सेम टैबिथा भी फील कर रही है, विक्टर की माँ ने सेम पेंट डिजाइन कर रखा है उसके घर के पीछे, जैसा कि टैबिथा ने उस जंगल में देखा था, और उसी जंगल वाले पेड़ से वो टैबिथा लाइट हाउस में गई थी। लेकिन इस पेड़ पर वो बिग होल नहीं है जो जंगल के पेड़ में था, लेकिन विक्टर का बाप तभी उससे बोलता है कि एक ऐसा पेड़ है यहां से कुछ दूर यानी पार्क में, और वो दोनों फटाक से उस पार्क की तरफ चले जाते हैं, जहां टैबिथा काफी टायर्ड है क्योंकि वो सोई भी नहीं है ढंग से। और इसी बीच एक और स्ट्रेंज चीज टैबिथा के साथ घटित होती है, विक्टर की कार से एक ब्रेसलेट मिलता है, जो सेम टैबिथा ने अपने हस्बैंड जिम के लिए बनाया था, वो भी उस कर्स्ड टाउन में। बट हाउ, ये कैसे कनेक्ट हुआ? और सेम टैबिथा भी ऐसे ही शौक थी, और उसे विक्टर के बाप पर शक करने लग जाती, यानी शक होने लग जाता है कि ये कौन सी ट्रिक तुम मेरे साथ खेल रहे हो। और इसी बहस में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड अगले ही पल वो दोनों पुलिस के साथ एम्बुलेंस में पाए जाते हैं। बट तुम बिलीव नहीं करोगे आगे होने क्या वाला है, या आगे हुआ क्या। टैबिथा वहीं आ गई जहां उसने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, सेम पेड़ उसके रास्ते में गिरा हुआ है, यानी एम्बुलेंस के रास्ते में। जब वो अपनी फैमिली के साथ भी आई थी तब भी वही पेड़ गिरा हुआ था, और उसके बाद वो उस कर्स्ड टाउन में जाकर फंस गए थे। लेकिन वो टाउन के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो फोर्थ एपिसोड में पता चलेगा।
लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ रैंडल को भी स्ट्रेंज थ्रेट हिट हो रहा है। उसकी कुछ ऐसी क्रिंज मधुमक्खियां दिख रही हैं जो सिर्फ उसे ही दिख रही है, क्योंकि अगली पल जब बॉयड आता है तो बॉयड को वो नहीं दिखता, ओनली रैंडल को ही दिख रहा है। तो वो भी आगे फोर्थ एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर ये है क्या। तो ये सब बाबा एपिसोड 3 में हमें देखने को मिला। अब एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं एंड कुछ ऐसी थ्योरी जो स्टोरी को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बना रही है। तो बाबा कुछ तो नया थ्रेट आ रहा है फिर से टाउन में, जहाँ बहुत से क्लू मिल रहे हैं। फातिमा का इस कर्ज टाउन में प्रेग्नेंट होना इशारा कर रहा है कि उसके पेट में जो बेबी है वो भी इसी टाउन की तरह एक कर्ज्ड बेबी है, यानी इविल बेबी कह सकते हैं, जो नया थ्रेट ला रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल खाना नहीं पसंद कर रही है। जस्ट लाइक जॉम्बी एंड एविल क्रिएचर, सड़ा गला कूड़ा कचड़ा खाना ही पसंद कर रही है। दूसरी तरफ जेड को वो स्ट्रेंज मरा हुआ इंसान दिखना जो एक्चुअली खून पी रहा है, और जिस प्लेस में वो सब्जियां लेने गए हैं वहां पहले से ही अजीब घास फूस के पुतले बने हैं जो किसी जादू टोना टोटका के दौरान करा जाता है, जो एक्चुअली एक थ्रेट का साइन दे रहा है। एंड सबसे बड़ी मिस्ट्री तो टैबिथा के साथ चल रही है, जो अब उसका शक विक्टर के बाप पर जा रहा है, क्योंकि मेरा शक भी वहीं जा रहा है। ये सारी चीजें इतने कनेक्टेड कैसे हैं, और क्या विक्टर के बाप को ये पहले ये चीजें सारी हिट नहीं करी? एंड अगेन जब टैबिथा को पहले ही समझ में आने लगा इस रियल यूनिवर्स के बारे में भी, अचानक से एक्सीडेंट के साथ फिर से उसी टाउन के गेट पे खड़ा हो जाना। पर इस बार एंट्री लेगी या नहीं लेगी वो आगे फोर्थ एपिसोड में देखेंगे, लेकिन अगर इस बार एंट्री ले भी लिया तो इसका क्या चांसेस है कि टैबिथा वही सेम टाउन पर एंट्री मारेगी? या हो सकता है इस यूनिवर्स के साथ वो नए यूनिवर्स में भी वो चले जाए, क्योंकि टाइम ट्रेवल तो बाबा चल ही रहा है। बहुत लोचा है, विक्टर का बाप भी कुछ छुपा रहा है, ये तो शक हो गया है। देखते हैं कि एपिसोड 4 में आगे हमें क्या मिल सकता है। बाकी आपने भी इस एपिसोड को देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाबा नीचे जरूर बता के जाना, क्योंकि आगे बहुत सा मिस्ट्री थ्रिल एंड सस्पेंस लेके आने वाला है ये एपिसोड और ये सीरीज। देखते हैं, आगे मिलते हैं। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इसी के साथ भाई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स पर भी काम चल रहा है, जहाँ मॉर्गोथ के ऊपर वीडियो आ चुकी है। देन अभी एगोन्स कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, यानी गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के। तो बने रहना नए हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।